नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 24 अप्रैल 2019 को आईपीएल का मैच था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए एक शानदार टारगेट पोस्ट किया और दोस्तों आखिरी 18 गेंदों में आरसीबी ने 64 रन जड़ दिए और इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 200 पार कर गया। और दोस्तों, जवाब में जब पंजाब बैटिंग करने के लिए आई तो पंजाब ने अपने पहले 10 ओवर्स में ही 105 रन बना डाले। इसके बाद उन्हें अगले 10 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 98 रन चाहिए थे, लेकिन फिर विकेट गिरती रही और आखिरी 3 ओवर्स में पंजाब की टीम मानो फिसल सी गई। दोस्तों, 18 गेंदों में पंजाब को 36 रन चाहिए थे, जो कि एक आसान सा टारगेट था, लेकिन इन 3 ओवर के दौरान उन्होंने 4 विकेट्स खोए और इन 18 गेंदों में वो मात्र 18 रन ही बना पाए। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं 18 गेंदों के दौरान हुई एक घटना के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 27 रन चाहिए थे और इस बीच किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर एक छक्का जड़ दिया, जो कि आखिरी ओवर का पहला गेंद था। और अब पंजाब को 5 गेंद में 21 रन चाहिए थे और फिर आखिरी ओवर के दूसरे गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर से अपना पल्ला घुमाया, लेकिन दोस्तों इस बार इस गेंद को कैच कर लिया गया और कैच करने वाला प्लेयर था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कप्तान विराट कोहली। और दोस्तों, कैच लेने के बाद उन्होंने अश्विन की ओर देखा और हाथों से इशारे किए, मानो पूछ रहे थे कि अब क्या करोगे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने हाथों से इशारे करते हुए रविचंद्रन अश्विन को उस मैन कैडिंग रनआउट की याद दिलाई जिसने अश्विन को पूरे टूर्नामेंट में लाइमलाइट में बनाया हुआ है, और वो था जॉस बटलर का रनआउट। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, कोहली ने जब ये इशारे किए तो वो साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रहे थे और ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या बड़बड़ा रहे थे। और दोस्तों, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था, ऐसा विराट कोहली कई बार कर चुके हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन इस तरह का इनडिसिप्लिन व्यवहार और अपशब्दों का उपयोग करना उनकी आदत सी बन चुकी है। कोहली को अश्विन की ओर ऐसे इशारे करने और गालियां फटने से पहले इतना ही लिहाज कर लेना चाहिए था कि सामने जो कप्तान है उसने उनसे ज्यादा मैच जीते हुए थे। दोस्तों, विराट कोहली चाहे जितने भी शानदार खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन उनकी ये हरकतें उन्हें महान खिलाड़ी बनने से हमेशा रोकती रहेंगी। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।